हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अबाउट ह्यूमन ईयर, फीचर आल्सो नोन एज द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आज हम जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ईयर होता क्या है? तो ईयर का मेनली फंक्शंस क्या होता है? ये हमारे हियरिंग में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये बॉडी इक्विलिब्रियम और बॉडी बैलेंसिंग में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम जानेंगे कि ह्यूमन ईयर होता क्या है और ये दिखने में कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, एक्सटर्नली भी एंड इंटरनली भी आप यहाँ पे क्लियरली ईयर का स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। तो ह्यूमन ईयर जो होता है उसका नंबर होता है 2 और ये जो होता है 3 पोर्शंस में ये डिवाइडेड होता है। मीन्स वॉट, ईच एंड एवरी ईयर ऑफ ह्यूमन बींग क्या होते हैं? 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड पोर्शन जो है दैट इज़ द मिडिल ईयर एंड थर्ड पोर्शन जो है दैट इज़ द इनर ईयर। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये पीना, यहाँ पे मैंने ये पीना ड्रॉ किया है। मीन्स वॉट, दिस इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो फ्रॉम पीना टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये इतना एरिया को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ईयर। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके अप टू आर फेनिस्ट्रा ओवालिस एंड फेनिस्ट्रा रोटुंडा, ये इतने पोर्शंस को हम बोलेंगे यहाँ पे मिडिल ईयर। एंड उसके बाद क्या होगा, ये जो ओपनिंग जो है यहाँ पे फेनिस्ट्रा ओवाली एंड फेनिस्ट्रा रोटुंडा, इसके बाद वाला जो भी यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, सो दिज आर द पोर्शंस इनसाइड इनर ईयर। तो पीना से लेके टिम्पानम तक होगा हमारा एक्सटर्नल ईयर। फ्रॉम टिम्पानम और टिम्पानिक मेम्ब्रेन से लेके अप टू दिस टू ओपनिंग्स, दिज आर द पार्ट्स ऑफ इनर ईयर। एंड फ्रॉम दैट फेनिस्ट्रा ओवालिस एंड फेनिस्ट्रा रोटुंडा, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, इसके फर्दर पीछे जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, दिज आर द पार्ट्स इन्वॉल्व इन इनर पोर्शन ऑफ द ईयर। तो पहला हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज द एक्सटर्नल ईयर। सो एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? पहला तो जो पार्ट्स आएगा वो है दैट इज पीना। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में आएगा हमारा पीना, देन एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स एंड टिम्पानिक मेम्ब्रेन और टिम्पानम। तो हम जो एक्सटर्नली विजिबल हमें जो होता है ह्यूमन ईयर का, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द पीना मसल्स। मीन्स वॉट, जो पीना जो होता है, ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, आउटसाइड में जो प्रोजेक्टेड पोर्शन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द पीना मसल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन ईयर का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। तो दिस पोर्शन इज नोन एज द पीना मसल्स। देन फर्दर आप फील कर सकते हैं, जो फोल्डेड स्किन हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द मिडिल पोर्शन ऑफ दैट फोल्डेड स्किन, ये जो मिडिल पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द हेलिक्स पार्ट। एंड नीचे की तरफ जो हमारा ये राउंडेड मस्कुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द लोव्यूल। लोव्यूल जो होता है वो सॉफ्ट होता है और हेलिक्स जो होता है वो हमारा मिडिल पोर्शन होता है जो कि हमारा फोल्डेड होके प्रेजेंट होता है। सो पीना मसल्स जो होते हैं हमारे, दिस आर द इलास्टिक कार्टिलेज। मीन्स वॉट, ये इलास्टिक कार्टिलेज से कंस्ट्रक्टेड होता है एंड दिस आर कवर्ड बाय स्किन। देन उसके बाद जो होता है दैट इज आर हेलिक्स पोर्शन, एंड लोव्यूल पोर्शन जो होता है दैट इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे फाइब्रस टिश्यू एंड एडाइपोस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। मीन्स वॉट, दिस आर द फैट टिश्यूज। मीन्स वॉट, लोव्यूल में क्या होता है हमारा? एडाइपोस टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, एंड दिस आर हाईली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। तो लोव्यूल पोर्शन में क्या होता है, नॉर्मली आप देख सकते हैं इनके सब गर्ल्स, कोई कोई मेल्स भी क्या करते हैं, अपना ईयरिंग्स जो पहनते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द लोव्यूल पार्ट। देन ये जो पीना मसल्स का जो फंक्शंस होता है वो होता है दिस आर इफेक्टिव इन कलेक्टिंग साउंड वेव्स। मीन्स वॉट, ये क्या करता है, कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस होता है तो उसको ये क्या करता है, वो साउंड वेव्स को ये रिसीव करता है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनर, यहाँ पे मैंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इंटरनली। सो दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स। तो ये क्या होता है, यहाँ पे दिस पोर्शन इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। तो ये क्या करता है,
इंटरनली जो होता है ये लाइंड होता है बाय मीन्स ऑफ हेयरी स्ट्रक्चर्स, दोज आर कॉल्ड इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दोज आर कॉल्ड इज द सीरूमिनस ग्लैंड्स और ऑल्सो कॉल्ड इज वाक्स ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, एक मतलब ये सिक्रेट करते हैं एक वैक्सी सब्सटेंस को, दैट्स वैक्सी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सीरूमेन और विच इज ऑल्सो कॉल्ड इज द ईयर वैक्स। ईयर वैक्स क्या करता है, कोई भी फॉरन बॉडी जब हमारे ईयर के अंदर एंटर करता है उसे वो ट्रैप कर देता है और उसके फर्दर मूवमेंट टुवर्ड्स द इनर साइड को वो प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ओवरली हमारे ईयर को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सीरूमेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर वैक्स, जो कि क्या करता है फॉरन बॉडीज को ये ट्रैप कर देता है। कभी भी कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे ईयर्स में जो होल होते हैं उसके थ्रू अगर वो इनसाइड द ईयर एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो सीरूमिनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दिज आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, जो कि क्या करते हैं एक वैक्सी सब्सटेंस की सिक्रेट करेंगे, वो वैक्सी सब्सटेंस क्या करेगा उस फॉरेन बॉडी को ये ट्रैप कर देगा एंड ये उसको प्रिवेंट करेगा फर्दर एंटरिंग इनसाइड द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। सो ओवरली देखा जाए तो एक्सटर्नली ऑडिटोरी मिडस में जो सीरूमिनस ग्लैंड्स होते हैं उनका फंक्शन मेनली होता है प्रोटेक्शन, वो क्या करते हैं ईयर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन जो थर्ड पार्ट होता है हमारे एक्सटर्नल ईयर का, दैट इज द टिम्पानम विच इज ऑल्सो कॉल्ड इज द टिम्पानिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे मैंने एक राउंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज द टिम्पानिक मेम्ब्रेन। सो टिम्पानिक मेम्ब्रेन क्या करता है, टिम्पानिक कैविटी को ये सेपरेट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे मैंने बोला था कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल ईयर क्या होगा, हमारा पीना प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स प्रेजेंट होगा एंड टिम्पानिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो टिम्पानिक मेम्ब्रेन तक, यहां तक ये पोर्शन जितने भी प्रेजेंट है, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड फ्रॉम दैट टिम्पानिक मेम्ब्रेन फर्दर क्या होगा, हमारा इनर पार्ट ऑफ द ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो टिम्पानिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, टिम्पानिक मेम्ब्रेन के बाद जो यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है, ये स्पेस को हम बोलेंगे टिम्पानिक कैविटी, उसको वो सेपरेट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये जो होता है ये क्या होता है, थीन होता है, बहुत ही पतला होता है और ये सेमी ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है। इसका जो शेप होता है वो ऑलमोस्ट ओवल होता है। हम कभी भी हमारे कान में पेन होता है या कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें सबसे पहली चीज़ जो मना करते हैं वो वही होता है कि हम हमारे इनर साइड ऑफ द ईयर में कोई भी पेन या किसी भी मतलब स्टिक से हम वहाँ पर मतलब कुछ भी यहाँ पे साफ सफाई ना करें। सो उसका रीज़न वही होता है कि हमारा ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही पतला होता है, तो भगवान ना करे अगर कहीं से भी अगर वो स्टिक या कोई भी पेन वहाँ पे अगर टच होता है या कुछ भी इंजरी होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, तो हम हमारे सुनने की जो शक्ति है उसको हम खो सकते हैं। दैट्स वाई ये क्या होता है, हाईली प्रिवेंटेड होता है कि हम हमारे कान के अंदर कुछ भी ना डालें। सो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत ही थीन होता है, इसका शेप होता है ओवल इन शेप। तो इसका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है, दैट सेंट्रल मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अम्बू, अम्बू बोला जाता है उसको। तो ये अम्बू पोर्शन में क्या होता है, हमारा फर्दर जो मिडिल ईयर का जो पार्ट होता है वो यहाँ पे कनेक्टेड होता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। सो ओवरली हम देखें तो हमारा ये जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसका फंक्शंस क्या होता है, तो इसके फंक्शंस जो होते हैं वो एज फॉलोज हैं। पहले तो ये क्या करता है, हमारे साउंड वेव्स को ये रिसीव करता है बाय द हेल्प ऑफ द पीना पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। देन वो क्या होगा, साउंड वेव्स जब आएगा यहाँ पे वो एंटर करता है इनसाइड द ईयर एंड थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स क्या होगा, ये आएगा अप टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, साउंड वेव्स आके यहाँ पे जोर से टकराएंगे जिसकी वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है एंड फर्दर उस साउंड वेव्स का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होके वो टुवर्ड्स द इनर साइड वो क्या होता है, साउंड वेव्स मूव करता है। तो ओवरऑली देखा जाए तो हमारे एक्सटर्नल ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर रिसीविंग दैट वेव्स ऑफ साउंड। साथ ही साथ क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स में जो वैक्सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द सीरूमिनस ग्लैंड्स, वो जो सीरूमेन या फिर वो हम बोल सकते हैं जो ईयर वैक्स वो सिक्रेट करते हैं, वो क्या करता है फॉरेन बॉडीज को एंटर करने से वो प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे इनर पोर्शन ऑफ द ईयर को, जहाँ पे वो फॉरेन बॉडीज को एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर, जिसमें आएंगे हमारे फर्दर जो पार्ट्स आएंगे, दोज आर द टिम्पैनिक कैविटी, ईयर ओसिकल्स और यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं
दो ओपनिंग्स, दोज आर द फेनेस्ट्रा ओवालिस एंड फेनेस्ट्रा रोटुंडा। आप ये डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि टिम्पानिक मेम्ब्रेन से लेके हमारा ये जो दो ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, इतने पोर्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे मिडिल पोर्शन ऑफ द ईयर। तो इनसाइड मिडिल ईयर क्या होता है, यहाँ पे टिम्पानिक कैविटी भी प्रेजेंट होता है। तो टिम्पानिक कैविटी जो होता है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द टिम्पानिक कैविटी। तो टिम्पैनिक कैविटी का कनेक्शन होता है हमारे नेजोफेरिंग्स के साथ। नेजोफेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स का जो अपर पार्ट होता है, जो हमारे नाजल कैविटी के साथ उसका जो कनेक्शन होता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। तो टिम्पैनिक कैविटी का कनेक्शन किसके साथ होता है, नेजोफेरिंग्स के साथ होता है बाय मीन्स ऑफ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूस्टाचियन ट्यूब। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस स्पेस इज द टिम्पैनिक कैविटी, जिसका कनेक्शन होता है नेजोफेरिंग्स के साथ बाय मीन्स ऑफ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूस्टाचियन ट्यूब। तो इसी के थ्रू क्या होता है, हमारा टिम्पैनिक कैविटी जो होता है वो नेजोफेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये जो यूस्टाचियन ट्यूब होता है उसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, एयर प्रेशर को ये इक्वलाइज करता है इन बिटवीन द टिम्पैनिक कैविटी एंड आउटर साइड। मीन्स व्हाट, कोई भी किसी भी रीजन से अगर हमारे टिम्पैनिक कैविटी के अंदर का जो एयर का जो प्रेशर वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो उस एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करने में क्या होता है, यूस्टाचियन ट्यूब जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा एयर प्रेशर यहाँ पे अगर क्रिएट होगा तो वो थ्रू यूस्टाचियन ट्यूब क्या होगा, वो आउटसाइड को वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम आर माउथ साइड। तो यूस्टाचियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, वो एयर प्रेशर को वो इक्वलाइज कर। देन जो सेकेंड पार्ट जो होता है ऑफ आर मिडिल ईयर, यहाँ पे क्या होता है, ए चेन ऑफ थ्री बोन्स आर प्रेजेंट। मीन्स व्हाट, यहाँ पे तीन बोन्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर द मिलियस, इनकस एंड स्टेप्स। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस बोन पार्ट इज कॉल्ड एज द मिलियस। देन सेकेंड यहाँ पे जो एक अदर बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज द इनकस, एंड इनकस का जो फर्दर यहाँ पे कनेक्शन है, दैट इज द स्टेप्स। तो मिलियस का कनेक्शन क्या होता है, इसका जो हेड वी कैन से इसका जो एक पार्ट होता है, दैट इज कनेक्टेड टू विद द अम्बो ऑफ द टिम्पानिक मेम्ब्रेन। मीन्स व्हाट, टिम्पानिक मेम्ब्रेन का जो सेंट्रल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अम्बो। तो मिलियस का एक पार्ट जो होता है वो कनेक्टेड होता है विद द अम्बो, और उसका जो दूसरा पार्ट जो होता है, दैट इज कनेक्टेड विथ इनकस। इनकस क्या है, वो जो सेकेंड बोन प्रेजेंट है इनसाइड द ह्यूमन ईयर। तो मिलियस जो होता है उसका जो शेप होता है वो हैमर शेप्ड होता है। मीन्स व्हाट, वो हथौड़े की तरह दिखाई देता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इनसाइड द ह्यूमन ईयर जो हमारे जो थ्री बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो द आंसर विल बी मिलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो मिलियस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सो द आंसर विल बी हैमर शेप्ड, ये हथौड़ी की तरह दिखाई देता है। देन सेकेंड बोन जो होता है, दैट इज आर इनकस। इनकस का जो शेप होता है, दैट इज एनविल शेप्ड। आप कहीं पे भी देख सकते हैं कि सुनार की दुकान पे हो या फिर कोई भी मतलब मेटेलिक दुकान जो होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटेंसिल्स का, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट मतलब एक लोहे का स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं गर्म चीज़ों को हथौड़ी से वहाँ पे ठोक ठोक के वहाँ पे क्या किया जाता है, डिफरेंट शेप्स दिया जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स को। सो वहाँ पे वो जो लोहे का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज द एनविल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इनकस का जो शेप होता है वो क्या होता है, एनविल शेप्ड होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सो द आंसर विल बी एनविल शेप्ड। मेलियस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, हैमर शेप्ड। तो मेलियस का कनेक्शन होता है इनकस के साथ, तो इनकस का जो एक पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है मिलियस के साथ, एंड उसका जो दूसरा जो पोर्शन होता है, दैट इज कनेक्टेड विद द थर्ड बोन ऑफ मिडिल ईयर विच इज कॉल्ड एज द स्टेप्स। तो स्टेप्स जो होता है उसका जो शेप होता है वो स्टीयरअप शिफ्ट होता है। स्टीयरअप शिफ्ट मीन्स व्हाट, ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका कनेक्शन होता है एक फ्लैट सरफेस के साथ। मीन्स व्हाट, एक फ्लैट सरफेस प्रेजेंट होगा, उसका जो बेस होगा वो फ्लैट होता है, एंड वहाँ पे ये लूप लाइक स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस करता है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्टीयरअप शेप्ड। तो स्टेप्स जो होता है, दैट इज स्टीयरअप शेप्ड। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो पहला क्वेश्चन तो वही है कि हमारे मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स प्रेजेंट हैं होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सो द आंसर विल बी मिलियस, इनकस एंड स्टेप्स। सो मिलियस का शेप होता है हैमर शेप्ड, इनकस का शेप होता है एनविल शेप्ड एंड स्टेप्स का शेप होता है स्टीयरअप शेप्ड। तो जो स्टेप्स होता है वो कनेक्टेड होता है, एक साइड से तो ये कनेक्टेड होता है विद द इनकस एंड सेकेंड साइड से ये कनेक्टेड होता है टू द ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर। तो ये जो 3 बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस 3 बोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ईयर ओसिकल्स। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मिडिल ईयर जो होता है वहाँ पे जो 3 ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। सो द आंसर विल बी मिलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये आपको याद रखना होगा। तो अप टू दीज 2 ओपनिंग्स ये जो पोर्शन है दिस इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर एंड फर्दर दैट ये ओपनिंग्स के बाद जो भी यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे हमारे इनर ईयर के डिफरेंट पोर्शंस होंगे। तो यहाँ पे ये जो मिलियस है दिस इज द लार्जेस्ट बोन और वी कैन से दिस इज द लार्जेस्ट ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बींग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 3 ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द मिडिल ईयर तो वहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट ईयर ओसिकल्स होते हैं वो कौन सा होता है। सो द आंसर विल बी मिलियस एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द मिडिल ईयर वो होते हैं स्टेप्स। तो स्टेप्स आर द स्मॉलेस्ट बोन्स और वी कैन से द स्मॉलेस्ट ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन ईयर। और स्टेप्स जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स व्हाट, स्टेप्स जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होते हैं, जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वाला जो बोन होता है दैट इज द स्टेप्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेप जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। तो ये 3 बोन्स को लेके प्रेजेंट होता है हमारा ईयर ओसिकल्स जो कि एक पार्ट है हमारे मिडिल ईयर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 ओपनिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर। वो ओपनिंग्स क्या क्या हैं, ये पहला जो ओपनिंग जो है जिसका कनेक्शन जो स्टेप्स के साथ होता है दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज फेनिस्ट्रा ओवालिस। इसका जो शेप होता है वो ओवल इन शेप होता है तो इसका कनेक्शन होता है स्टेप्स के साथ। एंड सेकेंड जो ओपनिंग हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पे मिडिल ईयर में दिस इज कॉल्ड एज द फेनिस्ट्रा रोटुंडा। इसका जो शेप होता है वो राउंड इन शेप होता है। तो ये दोनों ओपनिंग्स के थ्रू क्या होते हैं, जो हमारा जो साउंड वेव्स आता है वो ये दोनों ओपनिंग्स के थ्रू ये क्या होता है फर्दर इनर ईयर को ये मूव करते हैं। सो हमारा जो फंक्शंस होता है मिडिल ईयर का वो क्या क्या होता है, सबसे पहला तो वही कि यहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है वो पहले सेपरेट करता है हमारे एक्सटर्नल ईयर पोर्शंस को हमारे टिम्पैनिक कैविटी के साथ। देन टिम्पैनिक कैविटी का यहाँ पे कनेक्शन होता है थ्रू यूस्टाचियन ट्यूब, उसका कनेक्शन होता है नेसोफेरिंग्स के साथ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मिडिल ईयर का वो यही होता है कि हमारा जो टिम्पैनिक कैविटी पे जब भी कभी भी अगर एयर प्रेशर इम्बेलेंस होता है या फिर ज़्यादा होता है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर जो होता है वो रिलीज हो जाता है टुवर्ड्स द नेसोफेरिंक्स थ्रू दिस स्ट्रेचियन ट्यूब। तो ये सबसे पहले इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि ये क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा एयर प्रेशर को ये रिमूव कर देगा थ्रू यूस्टाचियन ट्यूब टुवर्ड्स द नेसोफेरिंक्स। देन सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, वो होता है हमारा जो साउंड वेव्स आता है थ्रू एक्सटर्नल ईयर वो आके यहाँ पे टकराता है हमारे टिम्पानम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। तो ये क्या करता है, फर्दर वो जो साउंड वेव का जो इंटेंसिटी जो होता है उसको ये फर्दर इंक्रीज कर देता है। साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, यहाँ पे वो कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, लेकिन साउंड वेव का जो इंटेंसिटी होता है वो आफ्टर कोलैबोरेटिंग विद द टिम्पैनिक कैविटी वो क्या होता है फर्दर इंक्रीज हो जाता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे वो क्या करता है, वो एक रेजोनेटर के थ्रू वो जिससे वो काम करता है जो कि क्या करता है साउंड वेव के इंटेंसिटी को वो इंक्रीज कर देता है। देन नेक्स्ट जो फंक्शंस होता है वो हमारी ईयर ओसिकल्स का, वो क्या करते हैं, ये जो इंटेंसिटी इंक्रीज होता है साउंड वेव्स का वो थ्रू दिस ईयर ओसिकल्स वो क्या करते हैं इजीली वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द ओपनिंग्स एंड फ्रॉम दैट ओपनिंग्स क्या होता है साउंड वेव्स जो होता है वो इनर ईयर को वो मूव कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि साउंड वेव का जो इंटेंसिटी होता है वो इंक्रीज होता है, वो अबाउट 20 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल ईयर में जो साउंड वेव्स का इंटेंसिटी है उसके कंपैरिजन में इसका जो साउंड इंटेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है 20 टाइम्स वो इंक्रीज कर जाता है।
सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ ह्यूमन ईयर एंड मिडिल पोर्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरनल ईयर और वी कैन सी द इंटरनल पोर्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। तो अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट क्रिएट हुआ हो या आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। इस टॉपिक में आपको जिस भी नॉलेज के बारे में प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, जैसे कि अबाउट द ईयर, ओसी किल्स, देन